सन में स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। तो यहाँ केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सीधा सीधा बस ये फंडा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसी की वजह से तो वॉच चलती है। या हम किसी टॉर्च की बात करने लगे तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तभी तो टॉर्च का जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो केमिकल एनर्जी सिंपली गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा गैस स्टोव। गैस स्टोव में क्या होता है, गैस स्टोव में हमने ये बोला कि जितने भी हम किसी भी गैस स्टोव की बात करें तो गैस स्टोव चलता है किसी ना किसी तरीके की गैस पर। चाहे तो जो हमारे घरों में जो गैस आती है उसको हम पीएनजी बोलते हैं। पीएनजी स्टैंड्स फॉर पाइप्ड नेचुरल गैस। या फिर जो पहले सिलेंडर आया करते थे, बड़े बड़े सिलेंडर आया करते थे, तो सिलेंडर्स में से जो एनर्जी निकलती थी वो भी हमारे पास क्या होता था, उसके अंदर भी गैस स्टोर्ड होती थी। तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस किसी की भी बात करूं तो गैस के अंदर जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन गैस होती है C4H8। तो अब C4H10 ब्यूटेन गैस होती है जो एलपीजी सिलेंडर होता है। तो वो जो केमिकल कंपाउंड है इससे क्या समझ में आता है कि भाई वो केमिकल एनर्जी तो है, उसके अंदर हमने ब्यूटेन कंपाउंड डाल रखा है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ये बोल देते हैं। तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि उस केमिकल को हम स्पार्क जनरेट करके हम उस केमिकल को बर्न कर रहे हैं, और जब वो केमिकल बर्न हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो सीधा सीधा है गैस स्टोव के केस में केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फिर नाइन्थ है सोलर वाटर हीटर। सोलर पैनल जितनी भी लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट से एनर्जी डिराइव करता है और जो पानी होता है पानी को वो गर्म करने लगता है। आप ये सोचिएगा कि ऊपर से जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट को अगर हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका हो कि सन की जो लाइट है उस लाइट में गर्मी भी होती है, तो उस लाइट को अगर स्टोर करा जा सके तो वो बिकॉज उस लाइट के अंदर हीट भी होती है तो हम उससे काम ले सकते हैं। किस चीज का, वाटर हीटर का या वाटर गीजर का। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे कि जो हमारा सोलर वाटर हीटर है उसमें लाइट एनर्जी आदित्य प्राजक्ता यस सर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जो मतलब रिस्ट वॉचेस होती हैं, कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं कि हम उसको जो सनलाइट होती है वो सनलाइट से उनके अंदर जो सेल होता है ना वो सनलाइट से वो सेल चार्ज होता है। जैसे क्या है कि हमारे फोन की बैटरी है,
हम फोन को चार्ज करते हैं, तो फोन को जब हम चार्ज करते हैं तो वो रिचार्जेबल बैटरी होती है फोन के अंदर, कि फोन की बैटरी जब हम फोन को यूज कर रहे हैं तो धीरे 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 करके उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है, तो जब बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो हम चार्जर कनेक्ट करके और हम फोन को चार्ज कर लेते हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट सोलर सेल का है। सोलर सेल में क्या होता है कि जैसे हम अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, किससे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम किसी सॉकेट से कनेक्ट करके और फिर वहां से उसकी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मतलब ये क्या है कि हमने सॉकेट से, हमने मेन लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और वो अपने मोबाइल फोन का जो बैटरी, मोबाइल फोन के बैटरी के अंदर उसको हमने स्टोर कर लिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से लेकर और दूसरी जगह पर हमने स्टोर कर ली। तो ये तो मोबाइल फोन के चार्ज, मोबाइल फोन की बैटरी की बात हुई। अब हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल में क्या होता है कि जो सनलाइट से जो हमको एनर्जी मिलती है, उस सनलाइट के एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो हमारा, फिर हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल का फंडा बेसिकली ये है कि लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए जी, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक यस सर। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है बेटा, वो है जो नेक्स्ट का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि ये वाला जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। अगर नोटबुक और पेन नहीं है तो ले आओ, और इसको आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है कि इसमें आपको एक बार हाथ से खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस होगी और चीज ना ढंग से लर्न हो जाएगी। दिख दोबारा नहीं बताया, रहा, क्या दिख कह रहे हो? नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, इसको मैं अभी दिखा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब दिखाई दे रहा है, ठीक है? यस अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट ओनली changes from one form energy can neither be created nor destroyed, it only changes from one form to another and during this conversion during this conversion the total amount of
of energy and during this conversion the total amount of energy remains constant. क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जा सकता, मतलब पैदा किया जा सकता, और ना ही खत्म किया जा सकता. हम ये कहते हैं कि इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर होती है हमेशा एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने फूड, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई. एनर्जी आ गई तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने लिखना शुरू करा, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क करना शुरू करा. मैं होमवर्क करता गया करता गया करता गया, करते 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 एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे मैंने सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क फिनिश करा. तो मैंने तीन चार घंटे तक मैं अपना बैठ कर काम करता रहा. फिर मुझे थकान हो गई, मुझे नींद आने लगी और मुझे और भूख लगने लगी. इसका मतलब क्या है कि जो मेरे अंदर एनर्जी थी वो एनर्जी खत्म हो गई. क्या ऐसा कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे. मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? उसको हमने पेपर पर जो हमने काम किया है वो मेरी सारी एनर्जी उस काम में कन्वर्ट हो गई. अब आप ये कहेंगे कि उसमें एनर्जी का क्या कंजर्व, एनर्जी का क्या कन्वर्जन हुआ, किस तरह से एनर्जी चेंज हुई? हमने कहा भाई हमारे दिमाग में एनर्जी थी, हमारी बॉडी में एनर्जी थी, तो माइंड के और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ और हमने लिखना शुरू करा. करते गए करते गए करते गए तो क्या हुआ कि उसके ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस था, क्या था? पेपर. तो पेपर में, पेपर जो होता है, पेपर के ऊपर हमने क्या करा, हमने पेन से लिखना शुरू करा. तो पेन में क्या होती है, इंक होती है. तो हमने डिफ्यूजन प्रोसेस से वही इंक उसकी डिफ्यूज हो होकर पेपर पर फैलती चली गई, जिसको हम लिख रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक फॉर्म जो एनर्जी की थी, जो हमारी बॉडी में स्टोर थी, उसको हमने दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, हमने डिफ्यूज कर दी पेन की इंक को, पूरे पेपर पर हम डिफ्यूज करते गए करते गए करते गए. ठीक है, तो ये चीज जो है, एक एनर्जी जो है, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, तो आप हमेशा ये देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है. अब उसको हमने बर्न करा तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई. हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो कार चलने लगी. कार चलने लगी तो हम चलते चलते आगरा से मथुरा पहुंच गए. तो इसका मतलब क्या है, ये वही तो है कि भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हुई. तो वो जो छोटा सा केमिकल है पेट्रोल, उस पेट्रोल केमिकल, पेट्रोल जो था उसकी केमिकल एनर्जी की वजह से आप आगरा से मथुरा पहुंच गए. तो ये क्या होता है, ये यही तो चीज है कि एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एनर्जी खत्म नहीं हुई. उस एनर्जी ने आपको आगरा से मथुरा पहुंचा दिया, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया. ठीक है, और वो जो पहुंचे हो आप एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है. काइनेटिक एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तभी तो आप पहुंचे. तो अब हम ये कहेंगे कि डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बचे रहना. तो एनर्जी हमेशा बचे रहती है नेचर में, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती. एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता. हमने कहा कि भाई सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी को हमने स्टोर कर लिया एक बैटरी में, सोलर सेल में. तो जब हमने सूरज की रोशनी को सोलर सेल में कन्वर्ट कर लिया, तो अब सोलर सेल ने स्टोर कर लिया, तो अब वो क्या करेगा सोलर सेल, अब वो सोलर सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देगा. तो जब मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो लाइट एनर्जी से आ रही है. लाइट कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है. ठीक है ना, तो सीधा सीधा फंडा यही है कि भाई एक फॉर्म होती है एनर्जी की, वो दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो हमने इतने सारे एग्जांपल्स में देखा. और एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी में मोशन शुरू होता है, तो मोशन शुरू होने से पहले उसके अंदर भयंकर कैपेसिटी है, उसके अंदर भयंकर पोटेंशियल है काम करने का किसी भी बॉडी के अंदर. तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी अभी रेस्ट में है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, तो हम ये बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बॉडी मोशन में आना शुरू करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होनी शुरू होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एमवी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और मास पर. मास तो कॉन्स्टेंट है, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज
इन एनी केस तो मास तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या लगातार कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है मतलब कांस्टेंट मतलब सेम रहती है। तो हम यहाँ पर दो या तीन एग्जाम्पल दो या तीन केसेस देखकर और फिर बात करते हैं इसकी आगे। देखो ऐसा होता है, यहां नोट करेंगे आप प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कहा कि एक बॉल के मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूं। बॉल के मोशन को मैं क्यों स्टडी कर रहा हूं, ताकि मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ये रिलेशन देख सकूं कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटती जाती है काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाती है। हमने क्या कहा, एक बॉल है जो ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरती है बॉल, फ्री फॉल होता है। तो हम उस फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। देखो बॉल यहां पर थी इस पोजीशन पर और यहां पर ग्राउंड है, ठीक है, इस जगह ग्राउंड है। इस जगह ग्राउंड है। अब हमने क्या करा कि ये बॉल ने बॉल नीचे आई थोड़ा सा, यहां तक आई, फिर ये फाइनली और नीचे आई और फाइनली ये यहाँ पर आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर गई। तो फ्री फॉल का केस है और हमने बोला बेटा कि टोटल जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हाइट है वो हाइट है h, ठीक है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हाइट है ये है x, ठीक। बॉडी जो है बॉडी का मास है m, जब बॉडी गिरना शुरू करती है तो फ्री फॉल का मतलब यह है कि हमने बॉडी पर जरा सी ताकत नहीं लगाई। फ्री फॉल का मतलब यह है कि हमने बॉल को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। जब हमने बॉल को ऐसे ही पकड़ा नॉर्मली और उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि बॉल इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी है तभी बॉल नीचे गिर रही है, ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल हवा में लटकी रहती, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये बोलूंगा कि ये जो पोजिशन है इन पोजीशंस की नेमिंग करते हैं, मैं ये बता रहा हूं जैसे देखिएगा, हमने यहां पर कहा कि जो ये पोजीशन है बेटा, ये जो ओरिजिनल यहां पर जो पोजीशन है इस पोजीशन को बोल दीजिए पोजीशन के, इस पोजीशन को बोल दीजिए पोजीशन बी, और जब ग्राउंड पर बॉल आकर टकराती है तो इस पोजीशन को बोल दीजिए आप पोजीशन सी। हम ये कहेंगे कि केस फर्स्ट, मैं अलग अलग तीन केसेस देखूंगा, केस फर्स्ट बेटा दिखाई दे रहा है ऊपर का, yes sir, okay, case first when the ball was at, case first when the ball was at position A, जब ball position A पर थी तो उस चीज का केस देखिएगा क्या होगा कि जब ball यहां पर थी तो यहां पर ये ball rest में थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज बॉल इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो बॉल का मास है एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, और यहां से लेकर और ग्राउंड तक की हाइट कितनी एच,
तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इनटू, तो यहां पर इस पॉइंट ए पर जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी, जो मेरी वेलोसिटी है वो यू है इस पॉइंट पर, ठीक है, और यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये कितना हो जाएगा हाफ एम टू जीरो का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। तो एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो पॉइंट ए पर हमारी टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच। ये बता दीजिए पहले, ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। आदित्य बताइए क्लियर है? यस। दिव्यांशी? यस सर। उदय? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम ये बोलते हैं कि अब ये बॉल यहां से नीचे गिरना शुरू हुई, अब ये पॉइंट बी पर आ गई, ठीक है। तो हमने एग्जैक्टली पॉइंट बी पर हमने चेक करना चाहा कि पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी है। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन द बॉल फॉल्स फ्रीली and reaches at point B, ball freely गिरती है और point B तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब ball point B तक पहुंचती है तो हम ये कहेंगे कि motion from A to B, motion from A to B, तो initial velocity u कितना हो गया, zero, और A से लेकर B तक का distance कितना हो गया, x, यानी कि s कितना हो गया, x, ठीक है। और acceleration because body नीचे की तरफ गिर रही है तो acceleration क्या होगा, small g, ये हो गया acceleration due to gravity। तो मेरे पास u है, s है, a है, तो क्या इसकी help से मैं इस point पर होने वाली final velocity निकाल सकता हूँ, बताइए जी, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे बताओगे, थर्ड, बिल्कुल सही, v, u, a और s, ये आता है थर्ड इक्वेशन में। मैं यहां पर लिखूंगा बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2as. So v square is equal to u kitna beta, 0, plus 2 into a kitna hai, a hai g, aur s kitna hai, s hai x. So v square is equal to again 2gx. तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2gx, है ना। हालांकि मुझे तो v स्क्वायर ही चाहिए, मुझे अंडर रूट v, मुझे v से कोई मतलब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हमने वेलोसिटी निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, देयरफोर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b, अब हमारी बॉल जो है वो पॉइंट b पर है, तो आप ये देखिएगा कि बॉल यहां से चलकर यहां आ गई तो बॉल का मास तो सेम रहेगा, बॉल का मास तो सेम रहेगा, और पॉइंट बी से ग्राउंड तक की जो लेंथ है वो कितनी है, h माइनस x, h में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बताइए ये चीज मिली आपको समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, जैसे पहले लिया था मैंने पॉइंट ए पर लिया था तो मास हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी हो गया, एम जी, और h लिया था मतलब पॉइंट ए से लेकर और ग्राउंड तक की लेंथ ली थी,
तो पॉइंट ए से ग्राउंड तक की लेंथ कितनी थी, एच थी। अब पॉइंट बी पर है तो पॉइंट बी से ग्राउंड तक की लेंथ कितनी है, एच माइनस एक्स। एच में से ये एक्स हटा दीजिए तो एच माइनस एक्स बचेगा नीचे का लेंथ। बताओ समझ गए? अब आप बात करें काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या है कि भाई पॉइंट बी तक आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट टू जी एक्स। तो वो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर डालिए आप, हाफ एम और बी स्क्वायर कितना है टू जी एक्स। तो लिखिएगा टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ गया, एम जी एक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एम जी एक्स कितना आ गया। तो टोटल एनर्जी जैसे यहां निकाला था एट पॉइंट ए, ऐसे निकालो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, फिर से वही चीज, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, प्लस का एम जी एक्स। प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा इस केस में भी, एम जी एच। बताइए समझ गए? तो पहले केस में व्हेन द बॉल वाज एट पोजीशन ए तब भी मेरी टोटल एनर्जी एम जी एच है। दूसरे केस में व्हेन द बॉल फॉल्स फ्रीली एंड रीचेस एट पॉइंट बी, यानी कि जब बॉल पॉइंट बी पर थी तब भी मेरी टोटल एनर्जी आई एम जी एच। तो दो केसेस में तो मैंने देख लिया कि एनर्जी सेम रह रही है, एनर्जी कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो मैंने दो केसेस में तो देख लिया, तीसरे केस में और देखेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरफ करता हूँ थर्ड केस में क्या है कि अब जो मेरी बॉल है ना, वो बॉल पहुंच जाती है ग्राउंड पर एग्जैक्टली स्ट्राइक करती है बॉल। ठीक है, तो पॉइंट सी का मतलब बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, एक मिनट बेटा मेरा वीडियो पॉज हुआ है, एक मिनट वेट करिए प्लीज। देखिए जी, अब हमारे पास है कि अब मैं लिखा दूंगा व्हेन द बॉल रीचेस एट पॉइंट सी, केस थर्ड। अब जब बॉल पॉइंट सी पर पहुंच जाती है उस केस की बात करेंगे, तो उस केस में आप ये देखिएगा कि जब बॉल यहां पर स्ट्राइक करती है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, ये मेरे को देखना है। तो अब मैं बोलूंगा कि जैसे यहां पर मैंने कहा मोशन फ्रॉम ए टू बी, बेटा अब मैं स्टडी करूंगा मोशन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो मोशन फ्रॉम ए टू सी, तो इसमें आप ये देखिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो है जीरो, टोटल ए से लेकर सी तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बॉल ने, एच। तो हमारा जो एस हो गया वो हो गया एच, बॉल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन कितना हो गया स्मॉल जी। ठीक, और अब मेरे को बी निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ गए होंगे, फिर से वही है वी U, A और S को आप समझ गए होंगे कि थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, फिर वही बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस टू ए एस। V स्क्वायर इज इक्वल टू U कितना है जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए कितना है जी, और एस कितना है एच। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा टू जी एच, मुझे बस वी स्क्वायर की वैल्यू से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है।
ठीक है। अच्छा अब मैं ये केस पास मिटा रहा हूं, ठीक, और यहां पर करते हैं इसको, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक, नहीं पहले निकालो आप पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c है ना, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c m g। अब ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी m पर थी या पॉइंट a पर थी तो यहां से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना था, h था। जब बॉडी b पर पहुंची तो यहां से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना बचा, h माइनस x। जब बॉडी c पर है यानी कि बॉडी अब ग्राउंड पर स्ट्राइक कर दिया है, बॉडी ने, जब बॉडी ने ग्राउंड पर स्ट्राइक कर दिया है तो अब ग्राउंड के और बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया बताएंगे, एक बार रिपीट कर दो। हम ये कहते हैं कि शुरुआत में जब बॉल पॉइंट ए पर थी तो यहां से लेकर और ग्राउंड के बीच तक का डिस्टेंस कितना था, h। फिर जब बॉल पॉइंट b पर पहुंची तो यहां से लेकर और ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना था, h माइनस x। अब बॉडी जो बॉल है वो पॉइंट c पर पहुंच चुकी है, मतलब ग्राउंड पर स्ट्राइक कर चुकी है, तो अब इसके और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जीरो। अभी जीरो को थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो ना भाई, अगर बॉडी ग्राउंड पर ही है तो ग्राउंड पर कोई बॉडी है और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, कुछ डिस्टेंस होगा ही नहीं जब बॉडी ग्राउंड पर ही है यानी कि जीरो, ठीक है। तो MGH होता है, और H नहीं सॉरी, MGH होता है और हाइट कितनी बची, जीरो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास, और वी स्क्वायर मैंने इस केस में कितना निकाला है, 2gh, 2gh 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये mgh हो गया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एमजीएच। तो बेटा इस केस में भी मेरी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, एमजीएच। केस वन पे भी मेरी टोटल एनर्जी एमजीएच थी, केस सेकंड में भी मेरी टोटल एनर्जी एमजीएच, और केस थर्ड जो हमने यहां से यहां करा है इसमें भी आपको देखिए टोटल एनर्जी एमजीएच आ गई। हम ये कहेंगे एम्स एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट इट्स मोशन remains conserved throughout its motion। तो बॉडी, किसी भी बॉडी की एनर्जी पूरे मोशन के दौरान कंजर्व रहेगी, कंजर्व मतलब सेम रहेगी। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है। तो चलिए जी इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो डिस्कस कर लेंगे आप लोगों को जैसा भी ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है ना। तो बस फिर अब नया तो क्या टॉपिक में स्टार्ट करूं, बस आज फिर इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ये वर्क एंड एनर्जी आपका चैप्टर खत्म हो गया है, और ये लास्ट वाला टॉपिक मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, आपने कर भी लिया होगा, और हार्डली एक या दो पेजेस के नोट्स बचे हुए हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगा इसके, बाकी तो आपके पास नोट्स पहुंच ही गए होंगे इसके, ठीक है ना। हाँ जी चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।